दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज हमने अपने पैक्स वगैरह नहीं निकाले, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आज मौसम कुछ ठंडा मीठा है। देखें, सूरज सही तरह नहीं निकला हुआ, बादल वगैरह हैं और हवा वगैरह तेज चल रही है, और जो थोड़ा थोड़ा धूप निकली है वो अभी निकली है। वो उन्हें अपने पैक्स वगैरह तो मैं निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनके पास खुराक वगैरह भी नहीं है। ये खुराक वगैरह भी उन्हें देता हूँ, अगर हवा ज़्यादा हुई तो फिर उन्हें दोबारा कवर कर दूंगा। मुझे लगता नहीं है उसे दोबारा कवर करने की जरूरत है। पहले मैं आपको अपने ये दिखा देता हूँ, पौधे वगैरह, और देखें पौधे वगैरह बहुत बड़े हो रहे हैं। देखें इनके ये आ रहे हैं पत्ते वगैरह, क्योंकि मौसम बाहर है। और देखें सीटें भी माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं, पहले इतने इतने थे, फिर इतने हो गए, अब इतने हो गए, और इनके ऊपर दाने वगैरह भी लगे हैं। देखें फली लगी है इनकी, देखें। और यहाँ पे मटर वगैरह भी देखें, धूप की वजह से सारे खराब होते जा रहे हैं धूप। और यहाँ धनिया वगैरह भी हमारे, ये इतने बड़े नहीं हो रहे, क्योंकि ये बड़े उसमें ना जल्दी बड़े हो रहे हैं एलोवेरा जेल। और ये अभी तक इसके भी नए यहाँ से आ रहे हैं। और बाकी जो है हमारे, इसकी जो एक कली थी वो हमेशा ढूंढनी पड़ती है। ये देखें, मैंने आपको कहा था ना 4-5 दिन में ही निकलेंगे, 4-5 दिन में निकलेंगे, उससे पहले नहीं निकलते। और इसकी ये देखें नए पत्ते वगैरह मैंने आपको कल दिखाए थे, ये इस जगह पे आए हैं। ये दो अलग अलग पौधे हैं, 1, 2, 3 और 4 थे ये, पता नहीं अब ये 3 है, फिर काउंट करते हैं 1, 2। हाँ, ये दो इकट्ठे लगे हुए हैं ना, 2, 3, 4, 5 है ये। हाँ, और बाकी ये देखें, ये आपको लीमू के ये निकल नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, और भी जगह बहुत सी जगहों पे है। ये देखें इसके वो निकल रहे हैं फूल वगैरह, फूल के ऊपर फिर लीमू निकलेगा, फिर फूल गिर जाएंगे। बाकी हमारी जो डक्का खेज है वो इधर पड़ा है, अगर धूप अभी थोड़ी सी तेज़ हो ज़्यादा हो, देख ज़्यादा धूप दे, कल तेज़ धूप थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन आज अब आज हम चाहते हैं कि धूप आए, लेकिन अभी तक धूप वगैरह नहीं आई। ये इनके ऊपर है तो सही, अब हवा भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मैं जल्दी से अपने पैड्स वगैरह को निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। खुराक वगैरह इनकी मेरे हाथ में ही है, और आज माइक वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि उससे तक मुझे आवाज़ साफ नहीं आती। माइक वगैरह नीचे जाऊँगा ना तब लगाऊंगा, क्योंकि नीचे वीडियो उसके बगैर नहीं बनती, ऊपर तो बन जाती है। अब मैं इनको निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पिजन वगैरह आज नहीं आए जो उधर बैठे होते हैं, और यहाँ पे अब मैं इनको ये हटाता हूँ, फिर मैंने इनको निकाल के फिर दिखाता हूँ। पैरेट वगैरह मैंने सारे निकाल लिए हैं, और इन्हें खाना वगैरह भी दे दिया है सबको, और इनका पानी वगैरह भी चेंज कर दिया है, और ये खाने के लिए भी आ चुके हैं। और जब मैंने खोला था ना ये इनका कपड़ा टाया था, तो ये दो पेयर, एक पेयर और ये वाला, ये वाली फीमेल, इसके मेल मटकी के ऊपर बैठा था, ये अंदर थे। उसके बाद जैसे ही ये निकले, उसके बाद वही ये मटकी में चले गई थी, उसी मटकी में बस ये जाते हैं, पर अंडा वगैरह नहीं देखते, आपस में लड़ रहे हैं। और इनकी नाक को पता नहीं लाल लाल रंग इसकी, और इस मेल की पता नहीं क्या लगा हुआ है, बाकी के बदन में है या नहीं है, इसके भी है मेरे ख्याल में। ये मटकी के अंदर वाली जो है ना कलर वो लगा हुआ है, फिर इसके भी लगा हुआ है, बाकी पता नहीं है। और बाकी मैं आपको वाकई आगे बताता हूँ, उन्होंने देखा अपना सारा गत्ता वगैरह भी खराब कर दिया है, यहाँ से भी खा गए सारा, और ये वाले गत्ता भी एक वहाँ ले गए और एक खा गए मुकम्मल तौर पर, और बाकी वहाँ से भी उन्होंने गत्ता हटा दिया अपना सारा, एक वो पड़ा दूसरा। और अब हम चलते हैं नीचे वाले पैट्स के पास, नीचे वाले पैट्स दिखा कर फिर मैं आपको, फिर ऊपर आते हैं डॉक्टर भी लेके आते हैं। और नीचे वगैरह मैं आता हूँ, आप और अपने पैट्स वगैरह ये देखेंगे, पैट्स वगैरह आपके पीछे, और अब इनका मान वगैरह करते हैं। ये देखें फीमेल दोबारा से अंदर है, इस फीमेल का बच्चा तो पता ही नहीं लगता कि है या नहीं है, बाकी मेल भी अंदर घुस गया जैसे वीडियो शुरू करते ही। नीचे वाली मटकी में ज़्यादा कचरा है, और एक पेयर ऊपर बैठा है, ये बस ब्रीड करने के बहुत जल्द करीब है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड कर देगा। और बाकी इस फीमेल का बच्चा का पता नहीं है निकला या नहीं निकला, ना ये हटती है ना कुछ। ये देखिए ये फीमेल बाहर आ गई है, इसके दो बच्चे हैं आपके सामने, दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका दूसरा बच्चा आपके सामने है, एक छोटा है और एक बड़ा है। और बाकी जो इसके बच्चे वगैरह हैं ये हट रहे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, नहीं इसका कोई बच्चा वगैरह भी नहीं है, इसके तीन 5-6 अंडे हैं, देखिए आपके सामने, ये कोई बच्चा भी नहीं है इसका, इसके दो बच्चे हैं आपके सामने,
ये तो इनके पहले वाले बच्चे हैं और बाकी ये नीचे वाले हैं। ये देखें, ये मेल आदमी इस पर बैठा है, इसे हटाता हूँ मैं। ये अंदर घुस गया है, इसका पता नहीं बच्चा निकला है। नहीं, उम्मीद नहीं है इसके वैसे अंडे के अंडे ही पड़े जो पहले पड़े थे। आप देखें इनमें हलचल मची हुई है, जैसे मैंने इनको छेड़ा हुआ ये भी बोलने लग गए और ये भी बोलने लग गए, दोनों बोलने लग गए। और बाकी तो इनमें से आपको पता है सेल करने वाले हैं, एक पेयर के अलावा, शायद दो पेयर के अलावा। बाकी हमारे कॉकटेल वगैरह इनका तो आपको पता ही है, ये बैठे हैं आपके सामने। इन्हें बैठने के अलावा कोई और काम नहीं है, बस सिर्फ बैठे ही रहते हैं और कोई काम नहीं है। अब मैं नीचे वाले पैर से जाता हूँ आपको। और ये हमारे, इन्होंने मेरे ख्याल नेस्टिंग अंदर की हुई है, ये थोड़े मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये ऊपर केज पड़े ना, इसकी वजह से आपको सही नज़र नहीं आता होगा। मटकी भी थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है। ये देखो, इन्होंने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है अपनी, अंडे देना दें बेशक इन्होंने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी। ये देखो काफ़ी सारा नेस्ट किया हुआ, क्योंकि बड़ा शायद इसकी वजह से नहीं लेके जाते। ये देखें, ये बोल रही है फीमेल, कहती है जाओ यहाँ से, वो वाली फीमेल। बाकी ये पता नहीं ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे। ये मुझे मेल लगता है, उस साइड वाली फीमेल लगती है। बाकी ये इसका एक ही बच्चा है, देखिए जिसके बाल वगैरह भी आ रहे हैं, ग्रीन लग रहा है, ग्रीन है। और बाकी दूसरा बच्चा इसका नहीं, बाकी इसके अंडे ही नहीं है, खा गया ये। क्योंकि इसके ये ऊपर वाली जो पहले वाली है ना, इनके काम होंगे बच्चों के। ये देखिए एक ही बच्चे वहाँ के सामने नज़र आ रहा होगा, बाकी नहीं है, बाकी इसके अंडे भी नहीं है, वो खा गए, ये अंडे ख़राब हो गए थे इसी वजह से, इसकी वजह से सिर्फ। बाकी ये देखो, ये तो इधर ही बैठे होते हैं बस। ये थी मैंने 3-4 दिन के बाद ब्रीड करने वाली है, मतलब कि दोबारा अंडे देने वाली है, और फिर इन सब की ख्याल नहीं होगी। जो अंदर तीन बैठे हैं ना, दो ये और एक पीछे, ये साइड वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला, ये छोटा है सबसे। इससे जो छोटा था वो तो मर गया था, आपको पता है। लेकिन अब ये यहाँ पे आ गए वापस, और ये थोड़ा सा बोला था शुरू में, उसके बाद नहीं बोला, अब ये चुप करके बैठा है। और बाकी आज चलते हैं हम अपने पिजन वगैरह के पास, उनके बच्चे वगैरह भी देखते हैं। ये केस तो वैसे ही होते हैं जैसे आपको पता है, इसमें मैं चूजे लेके आऊँगा छोटे छोटे, वो डालूंगा बस थोड़ा मौसम सेट हो जाए। आज आपको पता है मौसम ठंडा है, एक दो दिन तक ले आऊँगा। बाकी ये देखें, ये पहले वाला बच्चा फूल गया, और ये फीमेल है, और मेल हटते ही नहीं है बच्चों के ऊपर से। हटते तो मैं आपको दिखाऊं, गुस्सा कर रहा है ये मेल, नहीं मुझे तो नज़र आ रहा है इसका एक बच्चा, नहीं इसका पाऊँ या खुद का नहीं उठ रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अभी मैं अभी दरवाज़ा खोल दूँ, ये बाहर आ जाएंगे, फिर ये कचरा वगैरह कर देंगे ज़्यादा। और ये फीमेल बैठी है अपने आज अंडे पे, यही बैठी है, कल से शाम को भी देखा था, सुबह भी देखा था, यही बैठी थी। और ये इसका बच्चा है पहले वाला, ये इधर खड़े है, इसका फादर था। ये बच्चा इधर ही खड़ा रहता है अंडे के पास ही, इधर अंडा नज़र आ रहा होगा आपको। और ये जाता ही नहीं है बच्चा यहाँ से, इनका पानी वगैरह बस पिला रहे हैं, घर में पिला दिया पानी वगैरह। बाकी इन्होंने देखे सारा गिरा दिया, इन्होंने नहीं गिराया, ज़ाया किया, इन्होंने सारा ज़ाया कर दिया। और बाकी देखते हैं, अब मैं देखता हूँ इन्हें निकालूँ या ना निकालो, अगर निकालूंगा तो फिर आपका बच्चा दिखाऊंगा। ये देखें, ये डक है, इसका पार्टनर उन्होंने कहा था आज मिल जाएगा, लेकिन आज अब जाएंगे थोड़ी देर में, पता करेंगे, पहले उन्हें कॉल करेंगे, पूछेंगे अगर आया तो ले आएंगे, तो नहीं ले आएंगे। अब ये इधर पड़ी रहा है, अब वापसी ऊपर पिजन वगैरह के पास पैलेस वगैरह पर चलते हैं। अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, काफ़ी देर बाद है जो मैंने आपको कहा था, उसके बाद मैं सिर्फ खेलने चला गया था। इस ग्राउंड में पानी था, दूसरे ग्राउंड में खेलने गया था, और लेकिन हमने ना उस क्या कहते हैं डक जहाँ से बर्ड्स वगैरह लेते हैं, उनसे फ़ोन करके भी पूछा है, कॉल किया उन्हें, उनसे पूछा है कि आए हैं बर्ड्स या नहीं आए। बर्ड्स नहीं, डक वगैरह, वो कहते हैं आज नहीं है, कल पता करना। हमने कहा चलो ठीक है, और आज भी है हमारे डक का जो साथी है वो नहीं आ सका। अब हम मैं जाता हूँ अपने पैट्स वगैरह के पास, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, मैं तो अपने पैट्स वगैरह के पास ही खड़ा हूँ, मुझे लगा कि मैं ये देखें ये खाना वगैरह खा रहे हैं। अभी ये खाना ज़ाया कर रहे थे, यहाँ से निकाल फेंक रहे थे गत्ता वगैरह, तो इन्होंने देख गत्तों का क्या हाल करके सारा। मुझे लगता है कोई और चीज़ लेने पड़ेगी, शापर भी ये खा जाएंगे, मुझे पता है। ये भी कि देखिए खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। बाकी इनकी नाक पे पता नहीं क्या लगा हुआ है। अब ये भी मेल अभी अंदर थी, आपने देखा होगा, लेकिन ये अब बाहर आ गई, हवा चल रही थी ना, जिसकी वजह से एक आध गत्तू डाल दिया था, दो बाकी इस साइड के लिए छोड़ दिया था। और बाकी मैं यहाँ पे दिल करता है और पैर वगैरह छोड़ दूँ, फिर जब देखता हूँ ना गर्मी होती है, आग तो नहीं है, फिर मेरा दिल करता है, नहीं छोड़ता। और आज भी ऐसा सरप्राइज नहीं था जो मैं आपको बताता, और सुबह से एक वही है कि नहीं आए,
नहीं मिली हमारे डक को, और बाकी कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है, ना ही हमारे ब्लू फीमेल के बच्चे निकले हैं, और ना ही हमारे ऊपर मटकी वाले ग्रीन फीमेल के बच्चे निकले हैं, और एक पेयर और है मेरे ख्याल में जी, हाँ, और ना ही पर्पल कलर वाले फीमेल के बच्चे निकले हैं। देखते हैं 3-4 दिन फिर इनके अंडे, उनकी कैंडलिंग करेंगे, बाकी कैंडलिंग करने के बाद फिर हम आप बताएंगे क्या, अगर अंडे खराब हुए तो फेंक देंगे, नहीं तो ठीक है। और आज का व्लॉग भी यहीं एंड कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपको मेरी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे।